हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। हम लोग आज पढ़ने वाले 2.1। बहुत आसान वीडियो है और थोड़ी देर के लिए वीडियो है, मुश्किल से शायद 10 मिनट भी लगेगा नहीं इसमें वीडियो बनाने में। ये हमने आपको पूरा पढ़ाया चैप्टर बहुपद का, और यहाँ पे हम आपको डेली एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं एक वीडियो में, एक एक्सरसाइज मेरा पूरी कोशिश है। बट कभी कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है कि लंबा रहे एक्सरसाइज, ढेर सारा क्वेश्चन रहे, तो उसमें मुझे हो सकता है कि दो पार्ट में बांटना पड़े, जैसे त्रिकोणमिति का है और भी हाइट एंड डिस्टेंस का है, तो हो सकता है दो पार्ट में बांटना पड़े। बट जो जहाँ तक मुमकिन है कि एक वीडियो में कंप्लीट कर दें, वहाँ तक मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो बहुत शॉर्ट है, ये बहुपद का है। बहुपद के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे लाइव क्लास में प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर बहुपद का डिटेल से मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिलहाल अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आए तो फिर यहाँ पे रेडी है आपके लिए। सवाल आपको क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे किताब में क्या ना, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया हुआ है। अब प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए बोला px यानी कि x का शून्यक ज्ञात करना है ना। px मतलब समझ रहे ना कि px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर py का बोलता तो y को हम काउंट करेंगे, x का बोल रहा है इसलिए हम x को काउंट करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान सुन लीजिए, एक चुटकी में आप आंसर बना दीजिएगा। एक ऐसा बात, यहाँ पर px बोल रहा तो आपको क्या देखना है पता है ना, px बोला तो देखिएगा ये कि इस ग्राफ में जो लाइनिंग खींचा हुआ, जो ग्राफ खींचा हुआ है, जो लाइन खींचा हुआ है, वो x को कितना बार काट रहा। देखिए ध्यान से, चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। यहाँ पर जो ये तो हमारा मेन मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है ना। इसमें जो ये लाइनिंग खींचा हुआ है ना, तो ये लाइन x अक्ष को कितना बार काट रहा। ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। बोला px के लिए, तो px के लिए बोल रहा तो हमको x वालों को काउंट करना है, और इसके अंदर में 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, सब में px के ही के बारे में बोला जा रहा। तो कितना आसान है, मुझे बताइए कि e लाइन जो है x अक्ष को एक को बार काट रहा है, नहीं काट रहा ना, नहीं काट रहा। तो यहाँ पे क्या होगा, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, बोलिए, शून्यकों की संख्या क्या होगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, एक बार भी नहीं काट रहा। अगर ये बोलता वाई का निकालिए, तो देखिए वाई को एक बार काट रहा, तो वाई का तो बोल रहा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही क्वेश्चन है, बस खाली यहां पर ये चेंज है। अब यहां ध्यान से देखिए, यहां पर देखो एक्स ई जो लाइनिंग खींचा हुआ ये वाला, एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा, ध्यान से देखिए, शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या बोलिए, x अक्ष को कितना बार काट रहा। ये जो कटा यहाँ पर, ये जो ऐसे गया जो कट रहा, ये y को काटा ना, ये तो y वाला है, x वाला ये है, तो x वाला देखिए एक ही बार काट रहा, तो बोलेंगे 1, और ये आंसर है। तो इसलिए बोला थोड़ा देर के लिए वीडियो है। अगला तीसरा क्वेश्चन देखे दिया हुआ है, ये पहचानिए यहाँ पे ध्यान से, कितना बार काट रहा शून्यकों की संख्या, मे बी ऑब्जेक्टिव में दे दिए वाला, शून्यकों की संख्या देखिए कितना बार काट रहा है। एक देखो यहाँ पे काटा, और एक देखो यहाँ पर काटा, और तीसरा यहाँ पे काटा, कितना बार, 3 बार हो गया, तो 3 हो गया इसकी संख्या। ओके चलिए अगला चौथा नंबर सवाल है। चौथा सवाल क्या बोलता हमारे पास, ये देख लीजिए, यहाँ भी लिखते हैं शून्यकों की संख्या, शून्यकों की, जब तक आप कमेंट कर सकते हैं, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, देख लीजिए कितना बार काट रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, दो बार है ना, तो बोलेंगे 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे यहाँ पर देखें, और लास्ट ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब हम इसको बता दें, शून्यकों की संख्या क्या होगा, शून्यकों की संख्या, सब बच्चे कमेंट कर दीजिए कितना इसका आंसर होगा। चलो मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ, 10 गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब तक आंसर आ गया होगा। देखिए 1 2 3 4, तो हो जाएगा इसका आंसर 4, बस। तो ये ध्यान रखिएगा, पी एक्स के लिए बोल रहा, वाई के लिए बोलता तो हम वाई वाला पे गिनते, ठीक है। यहीं पर ये हमारा चैप्टर दम तोड़ दिया। एक और है, चलो एक और है, जल्दी से बता दीजिए इसको, शून्यकों की संख्या कितना हो गया, देख लीजिए, एक यहाँ पर
यहाँ पे टच कर दिया मतलब काट 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 दिया ना, दो और तीन, ठीक है ना। अगर हम देखो ये एकदम यहीं पे टच काटते हुए आगे बढ़ गया, अगर ऐसे आर पर होता तो फिर ये दो बार गिनाता, लेकिन यहाँ पर एक ही बार गिनेंगे, तो एक यहाँ, दो यहाँ, तीन यहाँ, तो बोलेंगे इसका आंसर कितना होगा, तीन हो गया। कितना हल्का लगा, आप सब लोग बना लिए होंगे। ये हमारा 2.1 था। बहुत जल्दी हम फिर कल सुबह आप मिलेंगे और 2.2 में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो क्लास करते हैं, आप सब लोग आंसर को कमेंट कर दीजिएगा, और कैसे लगे क्लास हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ओके। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक मोबाइल नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, वहाँ पर मैसेज कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।